जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्लला व मन युज़लिल्लाहु फला हादियला व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूल। रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफकहु कौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और जेबा है, जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और मुंतजिम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल्लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर। मौजूदा सामिन इकराम, आज सूरह बकरा की आयत नंबर 186 से क्लास रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में कुरान मुकद्दस को समझने, यानी कुरान को खुद कुरान की रूह से, कुरान को सही अहादीस से, कुरान को सहाबा इकराम के फहम के मुताबिक समझने और सहाबा ही की तरह ईमान लाने और अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। ए अल्लाह, शैतान के मकर फरेब से हमें बचा ले कि वो हमें तेरे दीन से दूर कर दे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इस अजीम काम को हम अल्लाह सुबहानहू तआला के नाम से शुरू करते हैं और वो बहुत मेहरबान, बार बार रहम फरमाने वाला है। वइज़ा, और जब सआला का सवाल करे आपसे, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, सुबहानअल्लाह। अल्लाह सुबहानहू तआला ये खबर दे रहा है कि या रसूल, आपसे जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो अल्लाह के बारे में क्या सवाल किए जाते हैं? अल्लाह हमारी कब सुनेगा, कैसे सुनेगा, अल्लाह किन की सुनता है, क्या करें हम उसके करीब होने के लिए? तो इन सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह तफसीर में हम देखेंगे। वइज़ा, और जब सआला का सवाल करे आपसे, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फइन्नी तो बेशक मैं करीब हूँ, सुबहानअल्लाह, अल्लाह करीब है, उजीबू मैं जवाब देता हूँ, दावत दाई दुआ का, दुआ करने वाले की, जब दुआ करने वाला दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूँ, यानी उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। इज़ा, जब दानी वो दुआ करे मुझसे, फल यस्तजीबू पस जरूर हुक्म माने, बंदे को क्या करना चाहिए, पस वो हुक्म माने, ली मेरा, वल यूमिनु और जरूर वो ईमान लाए मुझ पर, भी मुझ पर, लाल लकुम ताकि वो यरशुदून वो हिदायत पाए। अहिल्ला, हलाल किया गया। कल की क्लास में हमने रमजान के और सियाम के रोजे के अहकाम मसाइल पढ़े थे, उसकी वजाहत और आगे। अहिल्ला, हलाल किया गया, लकुम तुम्हारे लिए, लैलतस सियाम, रात में रोजों की, लैलतस रात, सियाम यानी रोजे, रगबत करना, इला तरफ, निसाइकुम अपनी औरतों की, हुन्ना वो, लिबासुल लकुम लिबास है तुम्हारे लिए, वह अंतुम और तुम, लिबासुन लिबास हो उनके लिए, मतलब वो तुम्हारे लिए और तुम उनके लिए लिबास हो। ये है बराबरी का मकाम मर्तबा देना। आलिम अल्लाह, जान लिया अल्लाह ने, अन्नकुम बेशक तुम, कुन्तुम थे तुम, तख्तनूना तुम ख्यानत करते, अनफुसकुम अपनी नफ्स से, फताबा तो वो मेहरबान हुआ, अलैकुम तुम पर, वाफा और उसने दरगुजर किया, अनकुम तुमसे, फल आना पस अब, बशीरहुन्ना मुबाशरत करो उनसे, वबतहु और तलाश करो, मा जो कतबल्लाहु लिखा अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, वकुलू और खाओ, वश्रबू और पियो, हत्ता यहाँ तक के, यतबैना वाजे हो जाए, बैयन हो जाए, वतबैना वाजे हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, लकुमुल खैतु धागा, अल सफेद, मिनल खैतिल अस्वद अस्वदे स्याह धागे की, मिनल फज्र फज्र की, सुम्मा फिर, अतिम्मु तुम पूरा करो, सियामा रोजे को रात तक, वला और ना, तुबाशिरुहुन्ना तुम मुबाशरत करो उनसे, वा अंतुम इस हाल में कि तुम, आकिफूना एतिकाफ करने वाले हो, फिल
मसाजिदी मस्जिद में, तिलका ये हुदूदुल्लाही हुदूद है अल्लाह की, फला तुना तकरबूना तुम करीब जाओ उनके, ये अल्लाह की हुदूद है तो तुम इन हुदूद के करीब न जाओ। कज़ालिका इस तरह युबय्यिनु वाज़े करता है, युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह वाज़े करता है अल्लाह आयातिही आयात अपनी, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लकुम ताकि वो तत्तकून वो तकवा इख्तियार करें। आए तफसीर की तरफ। कल की क्लास में हमने देखा रमजान और रोजे के फजाइल के ताल्लुक से, रमजान और सियाम के ताल्लुक से, और कुरान की फजाइल के ताल्लुक से। रोजा एक महीने का अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तय किया हुआ हमारी तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुकर्रर किया हुआ एक महीने का ये टाइम पीरियड है। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो सिर्फ उस महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हम मुत्तकी बन जाएं। इस महीने में जिस तरह हमारी इबादतों में तेजी होती है, रग़बत होती है, शौक होता है, इस रमजान से ये बात चाही जाती है कि 11 महीने उसी अंदाज में गुजारे जाएं। जिस तरह फर्ज और सुन्नतों की का एहतमाम किया जाता है, जिस तरह जकात और सदकात का एहतमाम किया जाता है, जिस तरह लोगों के साथ हुस्न सलूक की जाती है, जिस तरह मुआशरे के अंदर हम रहते हैं, उसी अंदाज में हम 11 महीने गुजारे ये बात चाही जाए। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ रमजान में हम इबादतें करें, सदका और खैरात करें, नमाजें पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें और बाकी महीने हमारे लिए फ्री है, छूट है। अगर हम बाकी 11 महीने में अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करते तो गोया के उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे सुबह से शाम तक कोई सूत कातने वाली, जैसे कपड़ा बनाने वाली कपड़ा बनाए और शाम को उधेड़ करके फेंक दे। यही हुआ कि हमने एक महीना खूब इबादत किए और जैसी रमजान खत्म हुआ और हम अल्लाह की नाफरमानी में आ गए, तो हमने जो कुछ किया था वो सूत कातने वाली की तरह हमने सब उधेड़ करके फेंक दिया। एग्जाम्पल के तौर पर किसी को ड्राइविंग नहीं आती और उसने एडमिशन लिया ड्राइविंग स्कूल में, एक महीना उसमें रहा और एक महीने बाद भी वो रोड में पैदल चलता हुआ दिखे, लोग उससे पूछे कि ऐसा क्यों, आप तो एक महीना वहां पे ट्रेनिंग करके आए हैं, वहां पे आप ड्राइविंग करते थे और अब ये क्या? तो वो ये कहे कि नहीं, मैं वहां तो था लेकिन मैंने वो चीज नहीं सीखी, ड्राइविंग नहीं सीखी। तो ये महीना हमारे लिए आए इसलिए है कि इस अंदाज में हम जिंदगी गुजारें, ना कि फिर से हम वही पुरानी रविश में आ जाए कि ना सदका करना है, ना खैरात करना है, ना लोगों के साथ हुस्न सलूक करना है, ना इबादत का होश है, ना अखलाक का होश है। और इस महीने के अंदर ईमान के उस दर्जे तक पहुंचाया जाता है जो एहसान का दर्जा है। इस्लाम के 3 स्टेज हैं, यूं समझिए आपकी 3 मरातिब हैं, हर मुसलमान के 3 मरातिब हैं, मुसलमान की भीड़ में 3 मरातिब के 3 स्टेप के मुसलमान होते हैं। जैसे एक स्कूल के अंदर सारे टीचर्स हैं, कोई सिर्फ टीचर होता है, कोई क्लास टीचर होता है और कोई प्रिंसिपल होता है, तो दर्जे के एतबार से तीनों के दर्जे बदल गए। इसी तरीके से कोई सिर्फ मुसलमान होता है और कोई उससे ऊंचा दर्जा ईमान वाला होता है और कोई उससे ऊंचा दर्जा वो एहसान वाला होता है। दलील, कुछ देहाती नए नए इस्लाम में आए और आ करके मुहाजिरीन और अंसार साहबा के बीच में, यानी पुराने साहबा के बीच में कहते हैं कि हम भी ईमान वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन आयत नाजिल फरमाई कि इनसे कहिए कि ये अभी इस्लाम लाए हैं, ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो इस्लाम पहले आता है, यानी वही अरकान इस्लाम के 5 पिलर्स, वो हमारी जिंदगी में पहले आते हैं। जब हम उस पर अच्छी तरीके से अमल करते हैं तो धीरे धीरे करके ईमान रासिख होता है, ईमान हमारे दिलों के अंदर दाखिल होता है। और जब ईमान दाखिल होता है तो ये बहुत ऊंचा दर्जा है। वलीज़ीरा आमन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मैं ईमान वालों का वली हूँ, दोस्त हूँ। युखरिजू मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, उन्हें अंधेरों से निकाल करके और रोशनी की तरफ लेके जाता। तो ये विलायत का दर्जा है और इसके ताल्लुक से हम सूरह बकरा की इब्तदाई आयत में पढ़ के आ चुके हैं कि ईमान वाला कितना कीमती होता है। तो ये दूसरा दर्जा और इससे ऊंचा एक दर्जा होता है जिसके ताल्लुक से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हदीसे जिब्राइल, आप सभी जानते हैं, उसमें ये तीनों स्टेज बताई गई मुसलमान की। पहला आपने सवाल किया इस्लाम क्या है, दूसरा ईमान क्या है और तीसरा एहसान क्या है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इबादत ऐसी करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, या ऐसा नहीं गुमान कर सकते तो ये जरूर हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी हम इस हालत में जिंदगी गुजारने लगे कि अल्लाह सुबहान व तआला हमें देख रहा, वो रात का अंधेरा हो, दिन हो, वो किसी भी कंडीशन में हो, कोई ग्राहक हमसे बात कर रहा है और हमारे एक झूठ बोलने से लाखों का फायदा हो सकता है, पैसे किसी के पड़े हुए हैं हम उसको उठा सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है, एक नजर है जो हमारे ऊपर लगी हुई, ये है एहसान।
तो जब बंदा इस हालत में जीने लगता है कि अल्लाह उसे देख रहा है, तो उसका चलना, उठना, बैठना, बोलना, लेन देन, रिश्तेदारी, हर चीज के अंदर फर्क आ जाता है। ये एहसान की ट्रेनिंग भी इसी महीने में होती है कि जब बंदा रोजे से होता है तो कमरे के अंदर बैठा हुआ है, कोई नहीं देख रहा, पानी ठंडा सामने रखा हुआ है और इसका प्यास से हलक सूख रहा है, जान निकल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो पानी को हाथ नहीं लगाता, उसे पीता नहीं। क्यों? अल्लाह उसे देख रहा। वो झूठ बोल सकता है, वो गैर महरम औरतों को देख सकता है, लेकिन अपनी नजरों को झुका रहा है। क्यों? अल्लाह देख रहा। ये ट्रेनिंग इस महीने में और रमजान रोजे की हालत में दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह रोजा रखने और रमजान को गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 186। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें। अल्लाह के बारे में किस तरह के सवाल होते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ कब सुनेगा, कैसे सुनेगा, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, अल्लाह किसकी दुआ सुनता है, क्या करें, इन सारे सवालों का जवाब खालिक कायनात खुद बयान फरमा रहा है। फइन्नी करीब, तो जब आपसे सवाल करें तो बस तू बेशक मैं उनके करीब हूँ। अल्लाह को पाने के लिए जंगलों पहाड़ों पे निकलने की जरूरत नहीं, अल्लाह से कुछ फरियाद करने के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह करीब है, ये कह रहा है। जैसे कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं कि छत के ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी लगेगी, जाहिर सी बात है, बिना बगैर सीढ़ी के आप चढ़ ही नहीं सकते छत के ऊपर, कैसे चढ़ सकते, हरगिज नहीं चढ़ सकते, क्योंकि छत के ऊपर जाना है किसी से मुलाकात के लिए, वो ऊपर है, या किसी काम के लिए और वो काम ऊपर से होगा, इसलिए आप नीचे से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारे करीब हूँ। अब आयत को फिर देखें, और ए नबी जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ, सिर्फ करीब नहीं, मैं दुआ करने वाले की दुआ को सिर्फ सुनता नहीं, मैं उस दुआ को कबूल करता हूँ। ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला कुन बात फरमा दी कि जब मेरा बंदा मुझसे पुकारता है तो मैं उसके करीब होता हूँ, सिर्फ सुनता नहीं, उसकी दुआ को सुनता है और उसको पूरा भी करता हूँ। जब भी वो मुझसे दुआ करे, जब भी वो मुझसे दुआ करे, दिन हो रात हो, किसी भी वो पोजिशन में हो, किसी भी मुसीबत और परेशानी के अंदर हो, और वो परेशानी कैसी भी हो, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। बस चाहिए कि मेरी ही हुक्म को माने, तो उसे ये चाहिए कि वो मेरे हुक्म को माने और मुझ पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए। क्या है ईमान लाना? अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए कि वही हाजत रवा है और वही मुश्किल कुशा है, उसके अलावा ना हाजतों को कोई पूरी कर सकता है और ना कोई मुश्किलों को दूर कर सकता। उन्हें ये चाहिए ना कि जब तुम्हारा रब इतना करीब है तुमसे कि वो सुन रहा है, देख रहा है, जान रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो दुआ को सुनता भी है, पूरी भी करता है, और किसी भी वक्त वो मांगता है तो दुआ को पूरी करता है, तो उसे क्या चाहिए कि वो मेरा हुक्म सुने, और मेरा हुक्म कि वो मुझ पर ईमान रखे कि उसका रब सुनता है, उसका रब जानता है, उसका रब बहरा नहीं है, उसका रब भूलने वाला नहीं है, उसका रब सख्त नहीं है, उसका रब तो रहमान है, उसका रब तो दुआ को सुनने वाला, तो उससे चाहिए कि वो मुझ पर ईमान लाए और ताकि वो हिदायत पाए। यह है हिदायत का रास्ता, अब वो हिदायत पाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करने के ताल्लुक से चंद पॉइंट के शक्ल में इस दुआ के मसाइल को हम समझने की कोशिश करेंगे और ये अजीम इबादत को जानने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, दुआ हर हाल में कबूल होती है, बशर्ते कि मांगने वाला हराम खाने वाला ना हो, गाफिल ना हो, यानी गाफिल दिल की भी दुआ कबूल नहीं होती, जल्दबाज ना हो, यानी कि मेरी दुआ अभी तक कबूल नहीं है, मेरी तो सुनता ही नहीं है अल्लाह, और मैं तो ये इस तरीके का उसके हालात ना, कतर रहमी की दुआ ना करे और गुनाह की दुआ ना करे, गुनाह की दुआ कबूल नहीं की जाए। अब इस ताल्लुक से चंद अहदीस, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गजवे में थे। गजवा उस जंग को कहते हैं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल होते हैं, और सरिया उसको कहते हैं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं होते। तो हम आपके साथ एक गजवे में थे कि हम जब भी किसी टीले पर चढ़ते, पहाड़ पर चढ़ते, या किसी वादी में उतरते तो बुलंद आवाज से तकबीर कहती, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब तशरीफ लाए और आपने फरमाया, लोगों अपने आप पर रहम करो, तुम किसी बहरे या गायब को नहीं पुकार रहे। तुम जोर से क्यों पुकारते, तुम किसी बहरे या गायब को नहीं पुकार रहे, अल्लाहु अकबर, इतना करीब है अल्लाह, बल्कि तुम उस जात गिरामी को पुकारते हो जो खूब सुनता, जिस जात गिरामी को तुम पुकारते हो वो तो तुमसे तुम्हारे सवारी की गर्दन से भी करीब है, मतलब तुम्हारी सवारी की गर्दन तुम्हारे से जितनी करीब है इससे ज्यादा करीब है वो तुमसे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन कैस,
क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक कलमा न दूं, जन्नत के खजानों में से एक खजाना एक कलमा न दूं? वो कलमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तेरी ही तौफीक के बगैर ना कोई गुनाह से बच सकता है और ना कोई नेकी कर सकता। इसे इमाम बुखारी मुस्लिम ने भी रिवायत किया है, मुसनद अहमद में भी है। और इसमें जो दो बात अहम पता चली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमें जोर से पुकारने की भी जरूरत, हम दिल में भी उसको याद करते हैं तो वो हमें सुनता है, वो देखता है, वो गायब नहीं है। तो अब ऊपर चढ़ने का मसला ही खत्म हो, या किसी के जरिए से बात पहुंचाने का मसला भी खत्म। किसी का जरिया कब लगता है? जब वो हमसे करीब ना हो, दूर हो, तो हम किसी को जरिया बनाते। और ऊपर भी इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि वो ऊपर है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी शहरख से भी ज्यादा करीब। एक जगह अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारी शहरख से भी ज्यादा, तो अल्लाह अपनी सिफात के एतबार से इतना करीब। और बज़ात खुर्स अर्श पर मुस्तवी है, और अर्श पर मुस्तवी होने के बावजूद काले रात में काले पहाड़ के नीचे कोई काली चींटी चल रही है तो उसे भी देख रहा है और उसके कदमों की आहट को भी सुन रहा है, और उसका कदम जहां से उठा है और जो सुराख हुआ है उस गड्ढे को भी वो ऐसा सुनने वाला, ऐसा देखने वाला और ऐसा जानने वाला बज़ात खुद अर्श पर है। ये उसकी सिफत है, उसके देखने की, सुनने की और जानने की। सुभान अल्लाह, वो रब है। और दूसरी बात कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत के खजानों में से दिया गया एक खजाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कोई ना नेकी कर सकता है ना कोई बदी कर सकता है बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद की। ये मुसनद अहमद ने रिवायत किया, जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 402। और इमाम बुखारी और मुस्लिम ने भी इस हदीस को रिवायत किया है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6384, मुस्लिम शरीफ 2704। एक और हदीस जो मुसनद अहमद लाए हैं, इमाम अहमद ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे के उस गुमान के मुताबिक हूँ जो वो मेरे बारे में रखता है। अल्लाह के बारे में बंदा जैसा गुमान रखता है वैसा पाता। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कैसा गुमान था? आग में जा रहे हैं, पानी सामने है, अल्लाह मेरे साथ है। और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है। दूसरी बात, और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है। मुसनद अहमद नंबर 3 और सफा नंबर 210। एक और हदीस देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी कोई मुसलमान अल्लाह ताला से ऐसी दुआ करे जिसमें कोई गुनाह की बात या कतर रहमी ना हो तो अल्लाह ताला उसे 3 बातों में से एक जरूर अता फरमा। यानी कोई गुनाह ना मांगे, वो गुनाह की बात ना मांगे और कतर रहमी की बात ना करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जरूर कबूल करता है। 3 शक्लों, 3 में से एक शक्ल में वो कबूल होती है। या तो उसकी दुआ फौरन कबूल कर ली जाती है, यानी वो जो मांग रहा है वही का वही उसको फौरन अता कर दिया जाता है। दूसरा, उसे आखरत के लिए जखीरा बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और जब हम अपनी दुआओं को आखरत में देखेंगे कि ये इसका सिला मिला है तो वहां पे यही हसरत होगी कि काश दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल ना होती, क्योंकि वो तो हमेशा हमेशा के लिए मिलने वाला है, यहाँ पे जो मिलेगा वो तो आरजी होगा। बहरहाल, तो पहली शक्ल ये है कि जो मांगा गया उसको उसी वक्त दे दिया गया, या फिर उसको तोशे आखरत बना दिया गया, आखरत के लिए उसको खजाना बना दिया गया। ये उस दुआ के बरकत से उसी की तरह की किसी मुसीबत को दूर कर दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि कोई मुसीबत आने वाली थी लेकिन उस दुआ की वजह से उसको टाल दिया गया। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, जब यह हदीस सुनी नबी मुकर्रम से तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया फिर तो हम कसरत से दुआ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की रहमत भी बहुत ज्यादा और बेपाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत भी, कितनी भी कसरत से दुआ करे, कुछ भी मांगे अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने में कोई भी कमी नहीं। मुसनद अहमद जिल्द नंबर 3 सफर नंबर 18। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती है बशर्ते कि वो उजलत से काम ना ले। उजलत ये है कि वो कहे कि मैं दुआ करता हूँ मगर मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। ये उजलत है कि कोई शख्स ये कहे कि मैं तो दुआ कर रहा हूँ, मैं तो करता ही हूँ लेकिन कबूल ही नहीं हो रही, ये उजलत है। तो ऐसे शख्स की दुआ भी और ऐसे लोगों की दुआ भी कबूल नहीं होती, गोया कि इसको यकीन ही नहीं है कि वो मांग किस से रहा है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6340, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2735। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे की दुआ हमेशा शर्फ कबूलियत से नवाजी जाती है, मतलब वो हर हाल में कबूल की जाती है बशर्ते कि वो गुनाह या कतअ रहमी की दुआ न करे और जल्दी ना करे। अर्ज की गई ए अल्लाह के रसूल जल्दी करने से क्या मुराद है? आपने फरमाया ये कि वो कहे कि मैंने तो बहुत दुआ की है लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं होगी, फिर वो मायूस होकर दुआ छोड़ देता।
मायूस होकर के दुआ छोड़ देता है। मुस्लिम ने इसको रिवायत किया, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2735 और इमाम मुस्लिम ने ही दूसरी जगह 6936 में भी इसको इससे मिलती जुलती हदीस आएगी 6936। तो इस तरह बंदा अगर मायूस हो जाए अल्लाह से, और मायूसी अल्लाह रब्बुल इज्जत से, ये तो कुफ्र में भी है। दूसरा पॉइंट, दुआ इबादत है, इसीलिए इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है, हक्कुल्लाही अलल अबीद। तो अल्लाह के अलावा दुआ किसी और से करना ये शिर्क हो जाए। अगर कोई ये भी कह रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ और आप तो जानते हैं और आप मेरी फरियाद यहाँ वहां तक पहुँचा दीजिए, तो गोया कि वो दुआ कर रहा है अपने सामने जो है उनसे, और फिर वो अल्लाह से दुआ करेंगे। तो इसने तो सामने जो है उनसे दुआ किया ना, और दुआ इबादत है, और इबादत अल्लाह का, तो दुआ इबादत है। इस ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत है और तुम्हारे रब का फरमान है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मतलब अब कहीं और जाने की। सुनन अबू दाऊद, और कोई और देने वाला भी नहीं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1479। तीसरा, अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा कोई चीज मुअज्जज नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा कोई चीज मुअज्जज नहीं। मुसनद अहमद हदीस नंबर 8748। चौथा पॉइंट, अल्लाह ताला खुद बंदे को दुआ करने के लिए पुकारता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ऑर्डर ही नहीं, पुकारता भी है कि मुझसे मांगो, है कोई ऐसा बादशाह? अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुजूल फरमाता है और कहता है कि मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल करूँ। और उस वक्त अगर हम सो रहे हैं, इसका मतलब, और जरूरत भी है, सुबह जाकर के किसी रईस के दरवाजे पे खड़े हैं और रात में सो रहे हैं, जबकि जो असल बादशाह है वो ऐलान कर रहा है कि क्या है कोई मुझसे मांगने वाला, इसका मतलब ये है कि इसे यकीन नहीं। इसका जाहिर कुछ है, बातिन कुछ है। जाहिर में तो ये अपने आप को मुस्लिम और मोमिन कहता है, लेकिन इसे यकीन नहीं। वो ऐसे के पास गया है, ऐसे रईस के पास कि जहां पर उसे बेइज्जती भी महसूस होती, उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती, अगर वो ना कह दे तो जिल्लत महसूस होती, और खाली के कायनात के दरबार में जब हाथ उठाता है तो उसे सुकून महसूस, वो वहां से कभी जलील होकर के, बेइज्जत होकर के नहीं लौटता। आज मगरिब में मेरे साथ हुआ, हाथ उठाया मैं और क्या मांगू कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह से कहा कि अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाना बड़ा अच्छा लगता। अल्लाह वो है रब कि जिससे मांगना अच्छा लगता है, सुकून महसूस, जिससे बेइज्जती महसूस नहीं होती, जिससे जिल्लत महसूस नहीं होती, और उसको छोड़ करके ये रात में सो रहा है और सुबह उसके फकीरों के पास जाता, वहां पर अपनी एड़ियों को रगड़ता है, बार बार चप्पल रगड़ रहा है, कभी एक बैंक में खड़ा है, कभी फला जगह खड़ा है, कभी फला जगह। और ये फरमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिनके फरमान के सामने मुसलमान तो बहुत दूर की बात, मुशरिकीन मक्का और कुफारे मक्का भी सादिक और अमीन जिनको कहते थे, उनका फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुजूल फरमाता और कहता है कि मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसे कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको अता करूँ, यानी सवाल यानी मांगी और मैं उसे अता करूँ, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श। मुसलसल तुलू फज्र तक इसी तरह होता रहा, तुलू फज्र तक ये निदा लगाई जाती है, और इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत की, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1773। पांचवा पॉइंट, दुआ तकदीर को भी बदल सकती। दुआ ही एक ऐसी चीज है जो तकदीर को भी बदल दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा तकदीर को कोई चीज नहीं बदल सकती, यानी किसी की जादू, किसी का धागा, और किसी की कई शिरकिया ऐसे अकायद हैं कि आदमी वहां जाता है और सोचता है कि ऐसा हो जाए, वो अल्लाह से मांगे अल्लाह ही उसको बदल सकता, तकदीर अल्लाह रब्बुल इज्जत लिखता। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा तकदीर कोई चीज नहीं बदल सकती, और नेकी के सिवा उम्र में कोई चीज इजाफा नहीं कर सकती। उम्र में इजाफा यानी उम्र में बरकत, उलमा फरमाते। सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 2139। छठवां पॉइंट, दुआ जरूर फायदा देती है, मतलब हर हाल में दुआ फायदा देती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा दुआ उसके बारे में भी फायदा देती है जो कुछ नाजिल हो चुका है, मतलब दुआ उसके बारे में भी फायदा देती है जो नाजिल हो चुका है, यानी जो हादसा हो चुका है, जो हो चुका है, और उसके बारे में भी जो नहीं उतरा।
बस अल्लाह के नजदीक अल्लाह के बंदो तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करो, अल्लाह के नजदीक दुआ करो। तिर्मिजी शरीफ हदीस नंबर 3548। इसका भी मतलब यही निकलता है कि तुम्हारी तकदीर भी बदल जाएगी। सातवां पॉइंट, अल्लाह ताला बंदों के खाली हाथ लौटाने से हया करता। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ उठे वो हया नहीं करेगा लौटा के, वो ऐसा देने वाला है कि सारी एक मैदान हो और पहला इंसान से आखिरी इंसान तक उस मैदान में खड़ा हो जाए, और पहला जिन से आखिरी जिन तक, कयामत में उतरने वाला आखिरी जिन तक उस मैदान में खड़ा हो जाए, और सब अपनी अपनी मर्जी से अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल करे कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए से, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मर्जी के मुताबिक उसे अता करना शुरू। पहले जिन से आखिरी जिन हो, पहले इंसान से आखिरी इंसान तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको जो मांग रहे हैं वो अता कर दे, तो अल्लाह के खजाने में कितनी कमी होगी। समुद्र में उंगली डाल करके निकालेंगे तो समुद्र का पानी उतना कम होगा जितना उंगली में लग गया, और समुद्र में कितना पानी, अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं होगी। वो अल्लाह, वो जब किसी चीज को बनाता है या किसी चीज को वजूद बख्शता है तो उसके लिए सिर्फ कुन कह देना ही काफी होता है। उस अल्लाह के सामने हाथ फैला रहा है, क्या नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत के अख्तियार, और कौन पूछने वाला है उससे कि तूने ऐसा क्यों किया, क्यों दिया उसको, या क्यों रोक दिया उससे, कोई पूछने वाला है अल्लाह से कि अल्लाह तूने क्यों रोक दिया, कोई पूछने वाला है क्यों नहीं देता, और ऐसी कौन सी चीज है जो उसके अख्तियार के बाहर है जो वो नहीं करता। तो सातवां पॉइंट, अल्लाह ताला बंदे को खाली हाथ लौटाने से हया करता है। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला को इस बात से हया आती है कि बंदा उसके सामने अपने हाथ फैलाकर उन दोनों हाथों में खैर का सवाल करे, फिर वो उन्हें खाली लौट, दोनों हाथ फैला करके दुआ करना उससे। इस हदीस से ये भी मुस्नद अहमद हदीस नंबर 23714। आठवां पॉइंट, अल्लाह ताला बंदे के उठे हुए हाथ में खैर जरूर डालता। अल्लाह के सामने जब हाथ फैलाता है तो अल्लाह खैर जरूर डालता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा अल्लाह नहायत रहम करने वाला है और बहुत बाइज्जत है, उसे अपने बंदे से शर्म आती कि वो उसे उसके आगे अपने दोनों हाथ उठाए फिर वो उनमें कोई खैर ना डाले। अल्लाह को हया आती है कि उसने अल्लाह के सामने दोनों हाथ उठाए और वो ना दे, उसको खाली लौटा दे। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं। तो ये सही तरगीब व तरहीब, सही तरगीब व तरहीब जिन नंबर 2 हदीस नंबर 1636। नौवा पॉइंट, अल्लाह ताला से दुआ ना करना तकब्बुर की अलामत, गुरूर की अलामत है अल्लाह से दुआ ना कर। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। सूरह गाफिर आयत नंबर 60, सूरह गाफिर आयत नंबर 60 में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँ, बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, यहाँ से पता चला कि ये इबादत है, जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल हो, वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल। अल्लाह से नहीं मांग रहा, अल्लाह के गैर से मांग रहा, अल्लाह के सामने हाथ नहीं फैला रहा, और जो अल्लाह के सामने हाथ नहीं फैला रहा वो तकब्बुर के अलावा। अल्लाह हम महफूज रखे, और अल्लाह अपने दर का हमें मंगता बना, जब तक जिंदा रख ए अल्लाह अपना फकीर बना कर, ए अल्लाह हकीर न बना, हकीर यानी लोगों से मांगने वाला न बना, ए अल्लाह अपने दर का फकीर बना। आमीन रब्बिल आलमीन। पॉइंट नंबर 10, दुआ न करना अल्लाह की नाराजगी मोल लेना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा जो आदमी अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता वो अल्लाह ताला उस पर गजबनाक हो, अल्लाह उससे नाराज होता। कैसा बादशाह कि ना मांगने वाले से नाराज होता है और कहता है ये तकब्बुर करता। अल्लाह सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 3373, सुनन तिर्मिजी 3373। आए दुआ की आयत को एक बार और पढ़ते हैं, और ए नबी जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करे बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता, जब भी वो मुझसे दुआ करे बस चाहिए कि वो भी मेरा हमको माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाए। यहाँ से स्याम के कुछ अहकाम मसाइल, आयत नंबर 187, तुम्हारे लिए रोजों की रात को अपनी औरतों के पास सोहबत करना हलाल कर दिया गया है। अहकाम नासिल हुआ तो उसके प्रैक्टिकल करने में कुछ दुश्वारियां होती हैं, कुछ कंफ्यूज भी होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक चीज खोल करके बयान कर देता है। और जैसे आप देखें दूसरी जगह भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह हदीद आयत नंबर 9 कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अपने अहकाम मसाइल को कितने वाज़े अंदाज में बयान फरमा, कुरान और हदीस की रोशनी में हर मसले का हल है, और वाज़े अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर मसले को हल किया। सूरह हदीद आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाता, वही तो है जो अपने बंदों पर वाज़े आयतें नाजिल करता है
ताकि वो तुमको अंधेरों में से निकाल कर रोशनी में लाए। बेशक अल्लाह तुम पर नहायत शफकत करने वाला और नहायत मेहरबान। तुम्हें अंधेरों से निकाल करके रोशनी में लाने के लिए वाज़े तौर पे आयतें नाज़िल आता है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उसको की वजाहत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा देते। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिन में जब रोजे की हालत में है तो मुबाशरत नहीं कर सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते, लेकिन रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजाजत दी। तुम्हारे लिए रोजों की रात में अपनी औरतों के साथ सोहबत करना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास। ये एग्जाम्पल अल्लाह रब्बुल इज्जत, मियां बीवी के रिश्तों के लिए ये एग्जाम्पल अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो एग्जाम्पल देता है, और एग्जाम्पल क्यों दिए जाते हैं? बात को समझने के लिए, बात को समझाने के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई एग्जाम्पल देकर के किसी बात को समझाया है तो उससे ज्यादा वजाहत के साथ और कोई किसी तरीके से बात समझ में नहीं आ सकती। तो ये रिश्ते के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिबास का एग्जाम्पल दिया है मियां बीवी के रिश्ते। इससे क्या क्या चीजें पता चली? अल्लाह सुभाना ताला ने मियां बीवी के लिए लिबास का मिसाल दिया, यानी मिसाल लिबास और जिस्म अलग नहीं होते। आदम अलैहिस्सलाम की पसली से ही हव्वा अलैहिस्सलाम बनी। लिबास में सबसे पहली चीज जो पाई जाती है वो है कुर्बत। तो इससे ये पता चला कि मियां बीवी के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रूहानी तौर से भी, समझ के एतबार से भी उनकी जो है बॉन्डिंग ऐसी होना चाहिए, क्योंकि ये लिबास है एक दूसरे। लिबास से और क्या होता है? लिबास खूबसूरती अता कर, बगैर लिबास के खूबसूरती नहीं होती। यानी हम एक दूसरे के मकाम को समझे कि मैं उसके बगैर कैसा हूँ, जैसे लिबास के बगैर एक इंसान हो, कोई उसको देखना पसंद नहीं। ये मकाम है मेरा, मेरी जिंदगी में, मर्द की जिंदगी में बीवी का और बीवी की जिंदगी में मर्द का, कि वो उसको खूबसूरती देता है। दूसरा, उसको प्रोटेक्ट करता, प्रोटेक्शन देता। अगर गर्मी है तो गर्मी का लिबास हो, ठंड है तो ठंड से बचाता है, गर्मी से बचाता है, बारिश से बचाता है, बारिश का भी लिबास हो। यानी ये इस मुआशरे में उसको सपोर्ट करता है। इसलिए कहा निकाह की जो एग्रीमेंट है उसका भी मतलब यही होता है कि मैंने नान और नफके के कबूल की। लिबास पर्दापोशी भी करता है, यानी ये हया है, पर्दापोशी करता है। तो इससे ये पता चला कि शौहर की वो बीवी के और बीवी को शौहर के लिए पर्दापोश होना चाहिए। ये नहीं, कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे लिबास में कोई गंदगी लगी और हम लोगों को दिखाएं कि देखो कहीं से थोड़ा सा फट गया, उधड़ गया, हम लोगों को दिखाएं। क्या करते हैं? हम उसको छुपाते हैं। तो अगर शौहर से कोई गलती हो जाए या बीवी से कोई गलती हो जाए तो फौरन फोन नहीं लगता, लगाना चाहिए। और फोन भी अगर अम्मी के पास लग गया और उन्होंने सपोर्ट कर दी तो तबाही है। और उन्होंने अगर डांट लगा दी कि तुम गीबत किसकी कर रही हो, अपने शोहर की, शर्मा रही तुम्हें, उसकी चुगली कर रही हो, तो फिर घर बस गया। तो लिबास में अगर कुछ कमजोरी है तो उसे छुपाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे, यानी तरबियत करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह के हाथ से मिली थी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, लेकिन वो तरबियत की आपने, अल्लाह अकबर, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और पूरा मक्का इसकी गवाही है, हाजरा अलैहिस्सलाम। तो तरबियत करें, अगर बीवी में कुछ कमी है या शौहर में कुछ कमी है तो उसकी आसान अंदाज में तरबियत करें, आसान अंदाज। कपड़े को इस तरीके से साफ नहीं किया जाता कि फट जाए, तो ऐसा बेइज्जत करके तरबियत नहीं की जाती। बीवी की हो और शौहर को का भी मकाम मर्तबे को समझते हुए उसकी तरबियत की जाए, उसको बेइज्जत करके तरबियत अगर करेंगे फट जाएगा काम। तो लिबास पर्दापोश होता है। लिबास जो है वो बहुत करीब होता है ना, इस तरीके से मियां बीवी का रिश्ता करीब होने से अनबन होती, और ये अनबन होना इसे यूं समझे आप, ये कुर्बत की वजह से जो खटपट होती है ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये लाइफ का एक पार्ट है, होना ही जब इतने करीब है। और मिजाज तो एक जैसे नहीं होते, किसी को कोई रंग पसंद है, आपको कोई और रंग पसंद है, उनको कोई और खुशबू पसंद है, आपको कोई और खुशबू। तो लिबास से ऐसी कई चीजें अल्लाह ने मिसाल दिया ना, अभी हमें कोर्स भी पूरा करना, वरना इसमें ही काफी वक्त लग जाएगा कि लिबास है क्या चीज, ये कैसी खूबसूरती अता करता है, उतर जाए तो क्या हालत होगी, कि इस कदर मैला हो जाए तो उसे उतारना भी पड़ता है, उसकी भी शरीयत ने इजाजत दी, फिर दूसरा लिबास जेबतन कर ले। तो लिबास के ऊपर भी अगर आप गौर करें तो ये मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। तो हम एक दूसरे के लिए ऐसी जरूरत है और वैसे ही होना रहना होगा जैसा एक लिबास के साथ हम रहते हैं कि उसको प्रेस करते हैं, अच्छा उसको रखने की कोशिश करते हैं, उसको वैसी फैसिलिटी देते हैं। बाकी आप समझदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखते हैं, अल्लाह सुभान ताला फरमाया और तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास। और इससे ज्यादा जो है ना, जैसे लोग यूं कहते हैं कि बराबरी का हक नहीं देते, तो इससे बड़ी और बराबरी का हक क्या हो सकता है कि मर्द को भी यही कहा गया और औरत को भी वही कहा कि तुम उसके लिए लिबास, वो तुम्हारे लिए लिबास, तुम दोनों एक दूसरे के मकाम मर्तबे में बराबर। आगे अल्लाह सुभान ताला फरमाता है अल्लाह ने जान लिया कि बेशक तुम अपने आप से खयानत करते थे, चुनांचे उसने तुम पर
तवज्जो फरमाई और तुम्हें माफ फरमा दिया। मतलब रमजान की रातों के अंदर तुम ख्यानत करते थे अपनी नफ्स से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जान लिया। अल्लाह जानने वाला, हमारी जरूरत के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए कानून बनाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ किया और ये कानून बनाया कि तुम जा सकते हो, इसलिए अब तुम उनसे हम बिस्तरी कर सकते हो। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो लिख रखा है वो तलाश करो, जो सुकून लिख रखा, जो नस्ल लिख रखी है उसको तलाश करो, और खाओ और पियो। अब रात में इफ्तार के बाद से सुबह फज्र तक खाने पीने की इजाजत, कि जिसको जब ठीक लगता है, किसी को मगरिब के बाद ठीक लगता है, किसी को इशा के बाद ठीक लगता है, जो है सहरी में ठीक लगता है, तो उसकी इजाजत। और खाओ और पियो हत्ता के तुम्हारे लिए सुबह की सफेद धारी काली धारी से वाजे ना हो जाए, फिर तुम रोजा रात तक पूरा करो। और जब तुम मस्जिद में एतिकाफ में बैठो तो अपनी औरतों से हमबिस्तरी ना करो। अब रात में तो इजाजत थी, लेकिन अगर कोई एतिकाफ में बैठ गया तो जो एतिकाफ में बैठा है वो फिर अब रात में हमबिस्तरी नहीं कर सकते, एक मसला। दूसरा, और जब तुम मस्जिद में एतिकाफ, तो एतिकाफ मस्जिद में है, घर में नहीं। इस आयत से पता चला कि जिसको भी एतिकाफ करना है वो मस्जिद में एतिकाफ, ये अल्लाह की हदें हैं, लिहाजा तुम उनके करीब मत जाओ। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई हुदूद है, इनको पामाल करने की कोशिश, जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम और मसाइल है तुम उनके करीब मत, यानी उसको तोड़ने की कोशिश न करो। अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतें इसी तरह बयान करता है ताकि वो मुत्तकी बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत आयतों को इसी तरह लोगों के सामने बयान करता है ताकि वो मुत्तकी बने। तो गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुदूद को पूरा करना, अल्लाह के अहकाम और मसाइल को पूरा करना, यही तकवा है। अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतें इसी तरह बयान फरमाता है ताकि वो मुत्तकी बने। तो ये आयतें खोल खोल करके सामने रख दी गई है, ये करना ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना, और इसी के ऊपर चलना, यही तकवा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे दीन के ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे सहरी का जो हुक्म दिया गया, तो सहरी के ताल्लुक से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ, बेशक सहरी खाना बाइस बरकत है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1923 और 1095, मुस्लिम शरीफ 1095। दूसरी हदीस जो इमाम मुस्लिम ने लेकर के आए हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क सहरी का खाना है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1096। एक और हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी बाबरकत खाना है, इसे तर्क ना करो, ख्वा पानी का एक घूट ही पी लो, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भी हैं। मुसनद अहमद जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 44। आखिरी आयत आज की क्लास की, और तुम अपने माल आपस में नाजायज तरीके से ना खाओ। माल को नाजायज तरीके से आपस में, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से खाने से क्या मुराद है, यानी बातिल तरीके से, यानी रिश्वत का लेना देना, चोरी कर लेना, सूद ले लेना, डाका डाल देना, खयानत करना, झूठ बोल करके माल बेच लेना, तो इस तरीके से तुम बातिल तरीके, ये बातिल तरीका है किसी का माल खाना, तो इसे रोक दिया गया। और तुम अपने माल आपस में नाजायज तरीके से ना खाओ, और उन्हें हाकिमों के पास ना ले जाओ, ताकि तुम लोगों के मालों में से कुछ माल गुनाह के साथ ले लो। मतलब हाकिम के पास, एक तो गलत किए कि उसकी जमीन हड़प कर लिए, अब उसको हाकिम के पास, जज के पास लेकर के जा रहे हैं, अच्छा वकील लगा रहे हैं ताकि वो खूब चर्ब जबानी करे, और फिर वो माल को ले लो, तो ये माल तुम्हारी चर्ब जबानी से या तुम्हारे वकील की चर्ब जबानी से हलाल नहीं हो जाएगा। काजी के पास जाने से हलाल हलाल ही होगा, हराम हराम ही होगा, उसके फैसले करने से तुम्हारे लिए हलाल और हराम का तय नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इतने बड़े आलिम ने हमारे लिए ये फैसला दे दिया, ये जमीन हमारे हक में लिख दी, तो उनके लिखने से हकीकत में वो हलाल नहीं हो जाएगी अगर वो तुम्हारी नहीं है। तो तुमने तो अपनी चर्ब जुबानी से और वकील लगा करके और अपने सपोर्ट में बात करके, वो क्या जाने, वो आलमुल गैब तो नहीं है, वो जो काजी है, जो जज है, वो आलमुल गैब तो नहीं है। उनके सामने जो फैसले आए, उनके सामने जो बातें आई, उनके सामने जो दलाइल आए, उसकी रोशनी में उन्होंने फैसला दे दिया, तो उनके फैसला देने से हलाल हलाल ही होगा और जो तुम्हारे लिए नाजायज है वो नाजायज ही रहेगा, ये मतलब है। और एक हदीस से और वाजे हो जाएगा, जो इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को लेकर के आए हैं, और तुम अपने माल, आयत को फिर से देखें, और तुम अपने माल आपस में नाजायज तरीके से ना खाओ, यही हराम है। और जब हश्र के मैदान में बंदा खड़ा होगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने कदमों को उस वक्त तक नहीं हिला सकता जब तक 5 सवालों का जवाब न दे। कब्र में 3 सवाल होंगे और हश्र में 5 सवाल। पहला सवाल, उम्र कहाँ गुजारी? दूसरा सवाल, जवानी कहाँ गुजारी? देखिए, वक्त का सवाल बार बार होगा और वक्त को हम इससे आसानी से जाया करते हैं
अल्लाह रहम फरमाए। वक्त का, वक्त बहुत कीमती है, इससे कीमती और क्या हो सकता है, जब मौत आ जाएगी तब पता चलेगा वक्त कितना कीमती होता है। तो पहला सवाल, उम्र को कहां गुजारा, दूसरा जवानी को। तो उम्र में जो कीमती लम्हात होते हैं वो जवानी के लम्हात होते हैं, तो जवानी को कहां गुजारा। तीसरा, माल कहां से कमाया था। चौथा, माल कहां खर्च किया और जो इल्म था उस पे क्या अमल। तो माल कहां से कमाया था, ये है इस आयत के अंदर। और तुम अपने माल आपस में नाजायज तरीके से ना खाओ और उन्हें हाकिमों के पास ना ले जाओ, यानी जज के पास ना ले जाओ, ताकि तुम लोगों के मालों में से कुछ माल गुनाह के साथ खाओ, हालांकि तुम जानते हो, हालांकि तुम जानते हो कि हकीक। इस ताल्लुक से एक हदीस जिससे पूरी बात वाजे हो जाएगी, सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं एक बशर, यानी सारे जज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज की पोजीशन को सामने लेकर के कि जितने भी जजों के पास बात जाती है, काजियों के पास बात जाती है, सुन लो, तो बेशक मैं एक बशर हूँ, मेरे पास झगड़े करने वाले आते हैं, मतलब मेरे पास मुकदमे आते हैं, और मुमकिन है कि तुम में से बाज लोग अपनी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से पेश कर सके। मुमकिन है कि तुम में से एक शख्स अपनी बात को अच्छी तरीके से नहीं रख पा रहा, जबकि वो सच है, वो सही इंसान है, लेकिन दूसरा बहुत अच्छी तरीके से बात को रख पा रहा है, वो अपनी चर्म जुबानी से। तो मैं ख्याल करूं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं ख्याल करूं, यानी एक जज ख्याल करे, तो मैं ख्याल करूं कि इसने सच कहा, जिसकी वजह से उसने सच कहा और जिसकी वजह से उसके हक में फैसला दे दूं, तो जिस शख्स को मैं किसी दूसरे मुसलमान का हक दे दूं, तो वो दर हकीकत जहन्नम की आग का एक टुकड़ा है, उसकी चर्म जुबानी की वजह से गलत फैसला हो गया और उसके हक में मैं दे दूं, तो वो जहन्नम का एक टुकड़ा मैं उसको दे रहा हूं, चाहे तो वो उसे ले ले और चाहे तो वो उसे छोड़। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2458, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1713, बुखारी 2458, मुस्लिम 1713। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि खालिक के मालिक, जो कुछ भी हमने अहकाम और मसाइल पढ़े, हज के ताल्लुक से, लिबास के ताल्लुक से, हराम और हलाल के ताल्लुक से, और खास दुआ के ताल्लुक से, ये अल्लाह हम सबको तेरे सामने दुआ की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह, जो कुछ भी सुने पढ़े उस पर हमें मजीद गौर फिक्र करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।